राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने के फैसले को सही ठहराने के लिए भाजपा ने अब जाति और समुदाय का सहारा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है कि राहुल गांधी ने मोदी समाज और ओबीसी का अपमान किया है, जिसे सहा न गया। उधर राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किए जाने के बाद कांग्रेस सदस्यों ने पीसीसी के बाहर मुंह पर ताली लगाकर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार यही चाहती है लेकिन यह संभव नहीं। महिला कांग्रेस ने राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया और राहुल फोबिया को लेकर मोदी सरकार को खरी-खरी सुनाई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र की अर्थी निकालकर विरोध जताया। आज से प्रदेश भर में लाडली बहना योजना के फॉर्म भरना शुरू हो गए। स्थानीय निकाय और पंचायतों के जरिए फॉर्म अप्रैल माह के अंत तक भरे जाएंगे। इसके अलावा राजधानी भोपाल के सुभाष फाटक आरोपी से अब भेल क्षेत्र को जोड़ने की तैयारी की जा रही है, जिसका डिजाइन तैयार करवाया जा रहा है। इससे राजधानी की 4 लाख जनता को फायदा होगा। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने के फैसले को बीजेपी सही ठहराने के लिए मोदी समाज और ओबीसी वर्ग के नाम को आगे कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल का कोई हक नहीं कि वे ओबीसी वर्ग और मोदी समाज का अपमान करें। तब क्यों नहीं लगाया जब आप अपने मुंह से मोदी जाति के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे? क्या जिस ढंग से आपने जातिगत अपमान किया, ओबीसी का अपमान किया, आपको किसने हक दिया ओबीसी को अपमानित करने का? क्या पिछड़े वर्ग में पैदा होना पाप है? क्या केवल पिछड़े वर्ग के होने के कारण किसी का भी अपमान किया जाएगा? आप अपने आप को राजा महाराजा से कम नहीं समझते? ये ताला आपके मुंह पर उस समय लगना था जब आपने न्यायपालिका का अपमान किया। ये ताला उस वक्त राहुल जी आपके और कांग्रेसियों के मुंह पर क्यों नहीं लगा? आज ताला लगाने की नौटंकी कर रहे हो। सही बात यह है कि कांग्रेस आज देश के लिए समस्या है और कांग्रेस की समस्या राहुल गांधी है। उधर राहुल गांधी की सदस्यता जाने के मामले में आहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल में पीसीसी के बाहर मुंह पर ताला जड़कर विरोध जताया। काले कपड़े और ताला लगाकर कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या है। मोदी को देर सवेर अडानी मामले में जेपीसी की मांग को हर हाल में मांगना पड़ेगा, क्योंकि सच आखिर सच होता है। सच बोलेंगे तो आप संसद में रोक सकते हैं, पर हम घर घर जाएंगे, जन जन तक जाएंगे, गाँव गाँव तक जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। ये सिंपल सी बात है। यहाँ पर साजिश बनाम कोशिश, साजिश है भाजपा सरकार की सच को छुपाने के लिए और राहुल गांधी जी की जो निरंतर कोशिश है सत्य को उजागर करने के लिए। हमारी जेपीसी की मांग अडानी हिंडिंग केस पर हम अडिग हैं। चाहे आप जितना भी सत्य को रोकने की कोशिश करें, अंत में सत्य की ही विजय होती है, राहुल गांधी जी की ही विजय होगी। राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर महिला कांग्रेस ने लोकतंत्र की अर्थी निकालकर कहा कि मोदी डरे नहीं, सच का सामना करे। महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों ने इस दौरान मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राहुल की सदस्यता जाने के विरोध में इसे लोकतंत्र के लिए काला दिवस करार दिया। ऐसे संसद में लोकतंत्र की हत्या की गई। राहुल जी के सच से घबराकर आज एक सच से मोदी जी घबराए हैं। उन्हें हर जगह पर जाकर सच का सामना करना पड़ेगा, जनता की आवाज को सुनना पड़ेगा। आज महिला कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, लेकिन सच को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता और सच देर सवेर आगे आएगा। पूरी जनता का एक जनसैलाब जो सड़कों पर आएगा, इनको राहुल जी की सदस्यता जो बहाल करनी होगी। मध्य प्रदेश में आज से लाडली बहना योजना के फॉर्म भरना शुरू हो गए। स्थानीय निकाय और पंचायत स्तर पर इसके लिए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। फॉर्म भरने का सिलसिला अप्रैल माह तक चलेगा। इसके बाद मई माह में इसकी स्क्रूटनी होकर 10 जून से बहनों के खाते में राशि सरकार देना शुरू। भोपाल में इस काम को नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए वार्ड वार्ड शिविर लगाए गए, जिसका निरीक्षण करने के लिए नरेला विधायक और मंत्री विश्वास सारंग खुद शिविर में पहुंचे। लाडली बहना योजना के तहत आज से उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाने का काम शुरू हुआ है। प्रदेश के हर गांव, हर वार्ड, हर मोहल्ले में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं और वो पात्र बहने जो इस योजना का लाभ लेना चाहती है उनके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। आज हमने दौरा किया, मैंने स्वयं हर पंजीयन केंद्र पर जाकर व्यवस्थाओं को देखा, व्यवस्थाएं सुचारू चल रही हैं। 30 अप्रैल तक ये फॉर्म भरवाने का काम होगा, मई के महीने में स्क्रूटनी होगी और 10 जून से बहनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण के लिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही
सार्थक प्रयास है और इससे बहने बहुत खुश हैं। सुभाष नगर आरओबी में अब एक हिस्सा भेल क्षेत्र से जोड़ा जा रहा है। इस ब्रिज में अब टू लेन हिस्सा भेल क्षेत्र से जोड़ा जाएगा। इसको लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी ली। मंत्री की माने तो एक माह में इसका डिजाइन तैयार कर इस कार्य का भूमि पूजन कर दिया जाएगा। इससे भेल क्षेत्र करीब 4 लाख की जनता को फायदा होगा। जो BHEL साइड से जो ट्रैफिक आता है, जिसको MP नगर साइड जाना है या पुराने भोपाल में जाना है या रेलवे स्टेशन पर जाना है, उसको लगभग 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर बल्कि 2 किलोमीटर का जो राउंड मारना होता है, उससे बचत होगी। ये एक बड़ी सौगात नरेला विधानसभा को हम दे रहे हैं।